दोस्तों कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो 24 आवर्स हमारे आसपास रहता है, हमारे चारों ओर रहता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण फैलता है, सिकुड़ता है, और भी कई कारणों से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो टूट सकता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शन की, तो वहाँ हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी सेफ्टी का, जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो ऐसा ही एक मटेरियल है कंक्रीट। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही एक मटेरियल कंक्रीट के बारे में बात करने वाले हैं कि कंक्रीट में क्रैक्स क्यों आते हैं, कंक्रीट में क्रैक्स कितने टाइप से आते हैं, कंक्रीट में क्रैक्स अगर आते हैं तो हम उनका कैसे बचाव कर सकते हैं, और बचाव करने की क्या विधियाँ, मतलब सब डिटेल कंक्रीट के क्रैक्स के बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो बेसिकली इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाले कि कंक्रीट के क्रैक्स के क्या क्या कॉजेज होते हैं, किन किन कारणों से वो कंक्रीट के क्रैक्स आते हैं। उसके बाद बात करने वाले कि कंक्रीट में क्रैक्स को हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ये तो श्योर बात है कि कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं तो उसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं। फिर हम बात करने वाले कि बचाव के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कंक्रीट में क्रैक्स का बचाव कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे एक समरी के बारे में कि क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है कंक्रीट के क्रैक्स के बारे में, उसकी समरी के बारे में भी एक नज़र डालेंगे। तो समरी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हेलो व्यूअर, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट के क्रैक्स के कारणों के बारे में कि किन किन कारण से कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। तो सबसे पहला तो आँख बंद करके कह सकते हैं, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि कंक्रीट में क्रैक्स किस वजह से आते हैं, तो हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण कोई भी मटेरियल फैलता है, सिकुड़ता है। तो कंक्रीट भी एक मटेरियल है, इसलिए कंक्रीट भी फैलती है, सिकुड़ती है, और फैलने और सिकुड़ने से कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण कंक्रीट में क्रैक्स का आना। उसके बाद अगला है सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर जो सेटलमेंट होता है, अगर सोइल का कॉम्पैक्शन अच्छे तरीके से नहीं होता है तो स्ट्रक्चर का सेटल हो जाता है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से भी कंक्रीट में क्रैक्स आ सकते हैं। अगला है कि कभी कभी जो लोड होते हैं वो ज़्यादा हैवी अप्लाइड हो जाते हैं, तो उन हैवी लोड के अप्लाइड की वजह से भी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। सिंपल से बात है, कोई भी मटेरियल है उसमें जितनी लोड सहने की कैपेसिटी होगी वो उतना ही लोड सह सकेगा, तो अगर उससे ज़्यादा हैवी लोड आएंगे तो उसमें सिंपल सी बात है क्रैक्स ही आएंगे। अगला है कि उसमें सरफेसिंग के दौरान वाटर लॉस के कारण भी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं, अगर कंक्रीट को पूरी तरह से वाटर नहीं दिया जाए तो भी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। इसके बाद आ जाता है कि कंक्रीट में अगर वाइब्रेशन ज़्यादा कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी क्रैक्स आते हैं। देखिए दोस्तों, जो कंक्रीट में कॉम्पैक्शन करना या फिर सॉइल में कॉम्पैक्शन करना एक अच्छी बात है कि उससे सेटल हो जाते हैं, हमें स्ट्रेंथ अच्छी प्राप्त होती है, लेकिन अगर वो कॉम्पैक्शन अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो कोई लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसमें थोड़े बहुत वाइब्रेशन तो रहने ही चाहिए, थोड़े बहुत रहने चाहिए, 1% आधा परसेंट के लायक, और अगर उससे कम रह जाते, अगर कंक्रीट पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उससे उसमें कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। और तो अगला है कि जब भी हम हाई वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ कर लेते हैं उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तब भी कंक्रीट में क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा जो कंक्रीट में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उस रेनफोर्समेंट का कोरोजन हो जाता है, यानी उसमें संसरण हो जाता है, उसमें जंग लगना चालू हो जाता है, उसकी वजह से भी वो कंक्रीट को इफेक्ट करता है और कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। तो ये सभी जो सारे रीज़न हैं इनकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं। तो दोस्तों कंक्रीट में जो क्रैक्स आते हैं वो बहुत टाइप से आ सकते हैं, मतलब बहुत टाइप से कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं, उसके हार्डनिंग से पहले, उसके हार्डनिंग के बाद, उसके सेटिंग टाइम से पहले, उसके सेटिंग टाइम के बाद, यानी जब भी वो सेट हो जाते हैं उससे पहले भी आ सकते हैं, उससे बाद भी आ सकते हैं। तो सब चीज़ जो है वो कुल मिला के इफेक्ट करते हैं उसके टाइप के बारे में। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कंक्रीट में कैसे क्रैक्स आते हैं, कितने टाइप से आते हैं। इसमें बिफोर हार्डनिंग भी दे रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कंक्रीट में क्रैक जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये उसका डायग्राम है। तो इसमें दे रखा है कि बिफोर हार्डनिंग, यानी हार्डनिंग से पहले और हार्डनिंग के बाद में, यानी उसके सख्त हो जाने से पहले और सख्त हो जाने के बाद में किसने उसमें कितने टाइप से क्रैक्स आते हैं, तो ये इस डायग्राम में अच्छे तरीके से समझा रखा है। दोस्तों यहाँ तक तो हमने जाना कि कंक्रीट में जो क्रैक्स होते हैं वो कैसे आते हैं, किन कारणों से आते हैं, किस टाइप के आते हैं कंक्रीट में क्रैक्स, यहाँ तक तो हमने इस बारे में जाना। लेकिन अब हम जानते हैं कि कंक्रीट में अगर क्रैक्स आते हैं तो उनको हम किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से उनका ध्यान रख सकते हैं, उनके प्रिकॉशन रख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि वाटर कंटेंट जो है वो हमें रिड्यूस करना होगा जब भी हम कंक्रीट को मिक्सिंग करते हैं। तो वाटर कंटेंट एक वाटर सीमेंट रेशियो में कंक्रीट के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि वाटर कंटेंट उसमें कितना डाला जा रहा है, उसके हिसाब से कंक्रीट की स्ट्रेंथ इफेक्ट करती है, उसके हिसाब से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी भी इफेक्ट करती है।
तो इन सब चीज़ों से वो कंक्रीट के क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वाटर कंटेंट एक मेन चीज़ है, तो वाटर कंटेंट मेक श्योर कि हमेशा लिमिट में रहना चाहिए। जितनी वाटर सीमेंट रेशियो की रिक्वायरमेंट है उतना ही उसमें वाटर डाला जाना चाहिए, उससे न तो एक्स्ट्रा और न कम उससे इसमें वाटर डालना चाहिए। तो वाटर के बारे में मेक श्योर कि आप पूरा तरीके से ध्यान रखें, कंक्रीट अगर बन रही है तो उसमें वाटर कंटेंट कितना डाला जा रहा है इस पर ध्यान दिया जाए। और सो अगला है कि प्रॉपर कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड क्वालिटी मटेरियल का यूज़ करना। जब भी हम कोई प्रोफेशनल चीज़ करते हैं, कोई चीज़ हम अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसमें हमें सब चीज़ें अच्छी होना ज़रूरी होती है। तो मेक श्योर कि आप जो मटेरियल है वो उसकी क्वालिटी बराबर रूप से चेक करें, और इसके अलावा जो कंक्रीट है उसमें मिक्स डिजाइन का यूज़ करें। मिक्स डिजाइन के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो मैंने वीडियो बना रखी है पहले कि मिक्स डिजाइन जो होती है वो M10, M20, M25, जितनी भी हमको स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके हिसाब से कंक्रीट के वाटर सीमेंट रेशियो होते हैं। तो वो मेक श्योर आप ध्यान करें कि मिक्स डिजाइन में ही कंक्रीट को तैयार किया जाए, और उसमें जो मटेरियल यूज़ में लिए जा रहे हैं, सैंड है, वाटर है, एग्रीगेट है, ये सभी जो मटेरियल यूज़ में लिए जा रहे हैं, सीमेंट है, ये सभी क्वालिटी के हों। मेक श्योर कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो सीमेंट होती है वो उपयुक्त ग्रेड की हो, जैसे 43, 53, इन सब ग्रेड की हो, सीमेंट एग्रीगेट की भी अपनी एक ग्रेड हो, तो उस ग्रेड के हिसाब से क्वालिटी मटेरियल ही उस मिक्सचर में यूज़ में लिए जाने चाहिए। दोस्तों अगला है कि कंक्रीट की जो फिनिशिंग होती है, सरफेस की फिनिशिंग होती है, उसके बारे में अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो जो कंक्रीट की जो सरफेस फिनिशिंग जब भी हम करते हैं, कंक्रीट को बिछाने के बाद उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसको प्लेन करते हैं, उसको हमें कॉम्पैक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ जो है इस चीज़ के बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कंक्रीट की वो स्टेज है जहाँ पर कंक्रीट ब्लीड वाटर यानी वाटर एक्स्ट्रा छोड़ती है, जो भी उसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सरफेस पर छोड़ती है। तो उसके ज़्यादा होने से और कम होने से भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप मेक श्योर करें कि कंक्रीट की जब भी फिनिशिंग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से की जाए, जो ब्लीड वाटर कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से हटाया जाए, तो सरफेस की फिनिशिंग पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की अच्छे तरीके से क्यूरिंग की जाए। ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि कंक्रीट जो होती है वो वाटर की डिमांड करती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, उसके वर्केबिलिटी के लिए सभी तरह से उसको वाटर कंटेंट उसमें होना ज़रूरी है, चाहे वो हार्डनिंग के पहले हो या फिर वो हार्डनिंग के बाद हो। तो जब भी कंक्रीट सख्त हो जाती है उसके बाद उसकी क्यूरिंग अच्छी तरीके से करनी चाहिए। मेक श्योर के सभी जो क्यूरिंग के उपाय है, क्यूरिंग के ऊपर मैंने हालांकि एक वीडियो पहले बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस टाइप से जो क्यूरिंग है वो की जाती है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मैंने दो वीडियो बना रखे हैं कंक्रीट के ऊपर, क्यूरिंग के ऊपर डिटेल में, वहाँ पर जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। कंक्रीट की क्यूरिंग के बारे में मैंने वहाँ डिटेल में बताया है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट और वाइब्रेशन की। तो सो कंक्रीट में जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंक्रीट में और सोइल में कॉम्पैक्शन करना ज़रूरी है, ये बात भी एक त्रुट है, लेकिन लिमिट में करना ये बात भी एक त्रुट है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो लिमिट में की जाती है, किसी भी लिमिट से हम ज़्यादा उसको नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर कंटेंट है वो लिमिट में डाला जाना चाहिए, उसी प्रकार से जो वाइब्रेशन है या फिर जो कॉम्पैक्शन है वो भी लिमिट में किया जाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा वाइब्रेशन कर देते हैं तो कंक्रीट ज़्यादा सख्त हो जाती है और टेम्परेचर वेरिएशन का उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो वाइब्रेशन है वो भी लिमिट में किया जाना चाहिए और उसका प्लेसमेंट भी अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर सोइल कॉम्पैक्शन की। दोस्तों जैसे कि मैंने कॉजेज में बताया था कि सेटलमेंट के कारण भी कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं, तो उस सेटलमेंट से बचाव करने के लिए हमें जो सोइल है उसका अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन करना होगा, ताकि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सेटल्ड नहीं हो, नीचे दब न जाए। उस तरीके से हमको अच्छे तरीके से उस सोइल का कॉम्पैक्शन करना होगा, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा मजबूत खड़ा रहे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसमें कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड करने की। दोस्तों कंट्रोल जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में आपको पता ही होगा कि कंट्रोल जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट जो होते हैं, यानी प्रसार और संकुचन जो जोड़ होते हैं, उसमें जोड़ वो टेम्परेचर के लिए ही दिए जाते हैं। दोस्तों इस टाइप से कॉन्क्रीट में जॉइंट दिए जाते हैं, और वो भी कॉन्क्रीट के क्रैक से बचाने के लिए। इसके अलग अलग कंडीशन होती है इसको प्रोवाइड करवाने के लिए कि जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर और किसकी जगह पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्रीट की क्रैक्स की समरी के बारे में। कंक्रीट के क्रैक्स से क्या समरी निकल के आती है, तो इस चीज़ की बस एक ही समरी निकल के आती है कि रिपेयर करने से अच्छा उसके प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद उसको ठीक करने से ज़्यादा हमें उस पर उसके प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहिए कि हम उसको पहले कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हो, हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हो, वो अच्छे तरीके से बने। इसलिए रिपेयरिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उसको प्रिवेंट कैसे करें किसी भी चीज़ को, यानी उसको प्रिकॉशन सारी चीज़ें कैसे रखें उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। बस यही है कंक्रीट के क्रैक्स की समरी। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको कंक्रीट क्रैक्स के बारे में पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कॉन्क्रीट क्रैक के बारे में। और सिविल टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।